हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी जामटी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यदि आप लोगों ने NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा होगा तो आप जानते हैं कि इसका लास्ट डेट 7 अगस्त को समाप्त हो चुका है और इसके जो परीक्षा की तिथि बताई जा रही है आयोग की ओर से वह है 31/8/2020। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कराने के बारे में बताया जा रहा है बोर्ड की ओर से। और दोस्तों, यह बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है यदि एग्ज़ाम को कंप्लीट करा लिया गया तो। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मात्र 23 से 24 दिन का समय बचता है और इसी बीच में आपको पूरी तरीके से तैयारी करना है और एग्ज़ाम भी निकालना है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आपको जब तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक ये एग्ज़ाम निकलने से रहा, क्योंकि कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का लेवल हमेशा हाई रहता है, आप लोग जानते हैं। क्योंकि जब तक जॉब की कमी रहेगी तब तक कंपटीशन का लेवल हाई रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का फॉर्म था वह बहुत ही महंगा था, आप लोग जानते ही हैं। इस एग्ज़ाम का फॉर्म 1500 रुपये का था, 700 रुपये का था, जो कि बहुत महंगा है। तो दोस्तों, यदि आपने इतना पैसा खर्च किया है और इतना पैसा खर्च करके यदि आपने फॉर्म भरा है तो निश्चित तौर से आपको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। यह भी हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ जाए, लेकिन एकदम इस बात को मान के मत चलिएगा कि डेट आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 अगस्त को UPBED का जो परीक्षा था वह संपन्न करा लिया गया है। तो दोस्तों, यदि UPBED का परीक्षा संपन्न कराया जा सकता है तो NBE का परीक्षा भी संपन्न कराया जा सकता है। इसलिए थोड़ा भी भ्रम में मत रहिए, आप अपना डेट 31 अगस्त को मान के ही चलिए कि 31 अगस्त को आपका परीक्षा होने वाला है। तो दोस्तों, आप किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें कि आपको सफलता मिले। दोस्तों, इस चैनल पर मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वह सभी सॉल्व कराऊंगा। आप प्रीवियस ईयर को देख के ही जाइएगा, क्योंकि आपके पास कम समय है, आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप पहले से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे कि SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे ऐसी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें गणित, मैथ और इंग्लिश पूछा जाता हो, तो निश्चित तौर से आप लोग जानते ही होंगे कि कंपटीशन का लेवल हमेशा हाई रहता है और इसको 20-25 दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। यदि आप पहले से ही लगे रहे होंगे तो आप ही इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और लास्ट समय में केवल प्रीवियस ईयर ही लगाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको ही सॉल्व किया जाता है, तभी सफलता मिलती है। और वैसे ही लास्ट 20 दिन में पढ़ लेने से सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको पूरी तरीके से इसमें सफलता हासिल करना है। उससे पहले दोस्तों, आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में NBE में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं इस चैनल पे सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि ये जानकारी पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और स्ट्रेटजी को जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में सामान्य बुद्धि एवं तर्क से, सामान्य ज्ञान से, अंक गणित और योग्यता से, अंग्रेजी से, इन चार विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे एक नंबर के होंगे, अर्थात दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वह 200 होगी और ये 200 नंबर के होंगे। मतलब ये हो गया दोस्तों कि 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर के होंगे। और आपको जो समय मिलेगा दोस्तों, वह समय मिलेगा आपको 180 मिनट। इसका अर्थ यह हो गया दोस्तों कि आपको समय मिल रहा है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किस 180 मिनट में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको एक मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, लेवल भी इस एग्ज़ाम का हाई रहता है और इसको आप जब तक स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसकी स्ट्रेटजी यही है कि आपको जो भी बर्निंग पॉइंट रहते हैं कोई किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे कि सामान्य बुद्धि एवं तर्क से कुछ बर्निंग पॉइंट ऐसे रहते हैं, वेन आरेख हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, वाच से क्वेश्चंस हो गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन हो गया, ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चंस हो गए, और दोस्तों अल्फ़ाबेट से क्वेश्चंस हो गए, ऐसे कुछ जो टॉपिक हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक दो क्वेश्चंस,
उनको ज़रूर से ज़रूर उनके फार्मूलेस को आपको देख के जाना है। और दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे ख्याल से यह ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको रीजनिंग देखने का, क्योंकि रीजनिंग हर एग्ज़ाम में लगभग आसान ही पूछता है, आपको केवल दिमाग लगाना रहता है। यदि कठिन होता है तो केवल वही नंबर सिस्टम वाला कठिन होता है, जो केवल नंबर दे देता है और पूछता है कि इस खाली स्थान को भरिए, तो वही थोड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन ब्लड डिशन और डायरेक्शन ये सब आसान ही होता है। तो आप निश्चित तौर से इस सामान्य बुद्धि एवं तर्क के जो 50 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें से निश्चित तौर से आप 40 से एवप तो कर ही सकते हैं, 40 से 45 के बीच में आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में जो आसानी से हो सकते हैं। तो 40 से 45 आपको करके आना ही होगा, क्योंकि इतना नहीं करके आएंगे तो फिर मुश्किल सिलेक्शन लेना होगा, क्योंकि रीजनिंग आसान होता ही होता है। यदि आपने पढ़ा है तो रीजनिंग आसानी से आप 40 से ऊपर करके ज़रूर आपको आना होगा। और दोस्तों यदि सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपको पता ही है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और फिर पॉलिटी से जो भी प्रीवियस ईयर में, दोस्तों इसमें आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। सामान्य ज्ञान में आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं बताऊंगा इस चैनल पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को मैं दिखाऊंगा, और उनको आपको वो पॉइंट या वो क्वेश्चन ज़रूर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाएंगे तब तक सलेक्शन मिलना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है, वहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रह सकती है। और दोस्तों और भी जो भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। और दोस्तों करंट अफेयर की जहाँ तक बात करें तो एक साल का करंट अफेयर तो आपको देख के जाना ही होगा, क्योंकि तुरंत का करंट अफेयर पूछता ही नहीं है, जब तक जब से ये 2019 और 20 के बीच में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यह देखा गया है अधिकतर कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर होता है वो नहीं पूछता है, हमेशा करंट अफेयर जो है एक साल के अंदर का या फिर दो साल तक के करंट अफेयर को पूछा जाता है। तो दोस्तों आप ज़रूर एक साल का करंट अफेयर देख के जाइएगा, इसका मतलब यह है दोस्तों लगभग 20 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको देख के जाना है, 20 अगस्त तक का करंट अफेयर देख के जाना है, 20 अगस्त से पीछे तक का जो भी 20 अगस्त 2019 से 20 अगस्त 2020 के बीच में जो भी करंट अफेयर है उनको देख के जाना है। दोस्तों करंट अफेयर के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप मंथली वाइज करंट अफेयर को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि अंकगणित योग्यता की बात की जाए तो अंकगणित और योग्यता में मतलब यह दोस्तों मैथ में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में आपको कहाँ से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, दोस्तों आप 10 से क्वेश्चन देख लीजिएगा और आप जो है सिंपल इंटरेस्ट से और जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और 10 से क्वेश्चन और हो गया आपका यहाँ से आता है कुछ क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री से भी देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति से भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती हैं। और गोले से क्वेश्चन जो कि गोले वाला आता है अंश बताने वाला कि कितना डिग्री होगा, वहाँ से क्वेश्चंस भी आने की उम्मीद रहती हैं। और दोस्तों परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, परसेंटेज ज़रूर देख के जाइएगा, परसेंटेज से क्वेश्चंस आने की उम्मीद ज़रूर रहती हैं। परसेंटेज हो गया और संबंध से जहाँ तक क्वेश्चन बताएं अनुपात से, तो अनुपात से वही नियर अबाउट ए संबंधे बी डबल संबंधे और उसके बाद सी संबंधे डी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको देख के जाना होगा तो आप ज़रूर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और दोस्तों अंग्रेज़ी, अब यदि आप SSC के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेज़ी में जो भी एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े हुए हैं बहुत पहले से, जैसे कि आप द माउंटेन पैरामाउंट जो किताब होती है पैरामाउंट, यदि उस किताब को यदि आपने पढ़ा हुआ है पैरामाउंट को, तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं, क्योंकि वह ऐसी किताब है जो SSC के लोग फॉलो करते ही करते हैं, बल्कि अलग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस वहां से देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप SSC के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर पैरामाउंट को फॉलो करिएगा, और इस तरीके से आप
सफलता हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर डालूंगा पेपर, और प्रीवियस ईयर आपको देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर देख के नहीं जाएंगे तब तक सफलता मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से आपको बहुत लाभ होगा। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी इस वीडियो में दिखा सकता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन है। लो लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुँच गए अपने प्रीवियस ईयर के पेपर पर, जो कि प्रीवियस ईयर में NBE में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये कुछ आपको आसान नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये एकदम आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फ़ाबेट से कि कौन सा नंबर होगा किसके बाद, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर के देख के जाइएगा। और उसके बाद ये जो आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्स सेट करने वाला, इसको भी देख के जाइएगा दोस्तों, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में पूरे मैथ के क्वेश्चंस को पूरे रीजनिंग क्वेश्चन को ज़रूर दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको यदि मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूं, तो मिनिमम कट ऑफ दोस्तों आप 150 से ऊपर मान के चलिए कि 150 कट ऑफ रहेगा ही रहेगा, आप 150 से नीचे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 200 नंबर में 150 हम मान सकते हैं मिनिमम कट ऑफ, 150-200 में 150 नंबर यदि 150 से ऊपर ला रहे हैं आप, तो आप सफलता पा सकते हैं। और 150 आएगा दोस्तों कैसे, वह दोस्तों आएगा 150 से रीजनिंग में आपको 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग में करना होगा, और मैथ में भी 40 क्वेश्चन यदि आप कर ले रहे हैं तो हो गया आपका 95 नंबर। और 95 नंबर के बाद यदि इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश में भी आपको 40 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर करने होंगे, हो गया 135 क्वेश्चन, 135 ये हो गया। और ये आपको यदि रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में आप यदि, और यदि आप करंट अफेयर की बात किया जाए तो करंट अफेयर में यदि आप कमज़ोर भी हैं, सामान्य ज्ञान में कमज़ोर भी हैं, तब भी आपको 20 नंबर तो 50 में से करना ही होगा, 20 नंबर कर लेंगे तो आप 155 प्लस में पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको इस तरीके से ज़रूर पढ़ाई करनी है कि आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। और दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।